कहते हैं कि ईश्वर ही सर्वव्यापक है, ईश्वर ही संसार का प्रकाशक है, वही इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करता है। ईश्वर ही मनुष्य को सुख दुख उसके कर्मों के आधार पर प्रदान करता है। ईश्वर ही हमें जीने के लिए अन्न, धन, जल और वस्त्र देता है। परंतु यह कैसी विडंबना है कि ईश्वर का बनाया हुआ मनुष्य यह सोचता है कि सब कुछ वही करता है, अन्न भी वही उगाता है और धन भी वही कमाता है। लेकिन सच तो यह है कि सब कुछ करने वाला और मनुष्य को सब कुछ देने वाला केवल और केवल ईश्वर ही है। इसी विषय पर आधारित है आज की यह सुंदर कहानी, ईश्वर तू ही अन्न दाता है। प्राचीन समय की बात है, प्रतापगढ़ राज्य में वीरभद्र नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। राजा वीरभद्र बहुत ही धार्मिक और दयालु स्वभाव का था। प्रतिदिन सुबह शीघ्र उठकर वह ईश्वर की भक्ति करता और उसके पश्चात गरीबों को दान देता था। अपनी इसी उदार स्वभाव और दया की भावना के कारण राजा पूरी प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय था। हर रोज सुबह दरबार खुलते ही राजा की महल के सामने गरीब और भिखारियों की लंबी कतारें लग जाती थी। उसके दरबार से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता था। सभी भिखारियों को राजा पर्याप्त मात्रा में अन्न और धन दान करता था। उन्हीं भिखारियों में से किशन और गोपाल नाम के दो भिखारी ऐसे भी थे जो राजा के यहाँ प्रतिदिन दान लेने जाते थे और दान लेने वालों की लंबी कतार में बैठ जाते थे। उनकी बारी आने पर जब राजा किशन नाम के भिखारी की झोली में अन्न डालता था तो किशन खुश होकर राजा की बढ़ चढ़कर तारीफ करता, हे राजा, तू ही मेरा अन्नदाता है, तेरी ही कारण मेरा पेट भरता है। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बहुत खुश होता। लेकिन दूसरी ओर जब राजा दूसरी भिखारी गोपाल की झोली अन्न से भरता तो गोपाल आसमान की ओर हाथ उठाकर कहता, हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है, तू ही मेरा अन्नदाता है। गोपाल की यह बात राजा वीरभद्र को अंदर तक चोट जाती। वह हमेशा सोचता, इसे हर रोज भोजन तो मैं देता हूँ लेकिन गुणगान यह ईश्वर का करता है, बहुत ही एहसान फरामोश है ये भिखारी। लेकिन चाहकर भी राजा वीरभद्र उस भिखारी गोपाल को कुछ बोल नहीं पाते थे। खैर, दिन इसी तरह बीत रहे थे। संयोग से कुछ दिनों के बाद राजा की एकमात्र पुत्री राजकुमारी फूलकुमारी का जन्मदिन आया। राजकुमारी के जन्मदिन की खुशी में राजा वीरभद्र ने दिल खोलकर दान दिया। दान लेने वालों की कतार में बैठे जब किशन और गोपाल की बारी आई तो राजा वीरभद्र ने पहले किशन को दान दिया और हमेशा की तरह किशन राजा के गुणगान करने लगा, राजन, तू ही मेरा अन्नदाता है। अपनी प्रशंसा सुनकर वीरभद्र बहुत प्रसन्न हुआ और अब वो दान देने के लिए गोपाल की ओर मुड़ा। जैसे ही राजा ने गोपाल की झोली में अन्न और धन डाला तो गोपाल अपने दोनों हाथ उठाकर आसमान की ओर देखते हुए बोला, हे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ, तू ही मेरा अन्नदाता है, तू ही मेरा पालनहार है। गोपाल की बात सुनकर राजा वीरभद्र का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह गुस्से से बोला, गोपाल, हर रोज तुझे दान मैं देता हूँ, तुझे हर रोज भोजन मैं खिलाता हूँ, लेकिन मेरा धन्यवाद करने की बजाय तू ईश्वर का धन्यवाद करता है, ऐसा क्यों करता है तू? गोपाल ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, देने वाला तो ईश्वर ही है, वही सबका पालनहार है, वही हमारा अन्नदाता है। ऐसा कहकर गोपाल वहां से चला गया। गोपाल तो चला गया लेकिन गोपाल की बातें सुनकर राजा वीरभद्र का धैर्य जवाब दे गया। उसने गोपाल को सबक सिखाने की सोची। उसने मन ही मन एक योजना बना डाली। अगले दिन जब महल के सामने सभी भिखारी कतार में बैठे तो राजा वीरभद्र ने किशन की झोली में अन्न डाला और कहा, किशन, मुझे गोपाल से अकेले में कुछ बात करनी है, इसलिए अभी तुम यहाँ से चले जाओ। और हाँ, एक बात और सुनो, आज तुम अपने पुराने रास्ते से मत जाना, बल्कि आज तुम राजमहल के किनारे वाले मार्ग से जाना, जहाँ से केवल मैं गुजरता हूँ। राजा की बात सुनकर किशन खुशी से फूला ना समाया और हंसता गाता राजमहल के किनारे वाले मार्ग पर पहुंच गया। राजमहल का यह मार्ग बहुत ही सुंदर और शांत था। उसी मार्ग पर राजा ने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ एक घड़ा रखवा दिया था। परंतु उस दिन किशन
अपनी ही मस्ती में चल रहा था और यह सोचकर खुश हो रहा था, वाह आज तो राजा ने मुझे राजमहल के मार्ग से भेजा है। ऐसा सोचते ही वह खुशी से गुनगुनाने लगा और ऐसा करते समय उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बंद आंखों से गाना गाते हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आंखें बंद होने के कारण उसकी नजर चांदी के सिक्कों से भरे हुए उस घड़े पर नहीं पड़ी। उधर कुछ समय बीतने के पश्चात राजा ने गोपाल से कहा, गोपाल अब तुम भी घर जाओ, लेकिन सुनो तुम भी आज राजमहल के किनारे वाले मार्ग से ही जाना। जी महाराज, ऐसा कहकर गोपाल मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करता हुआ आगे चलने लगा। अभी वह कुछ कदम आगे ही चला था कि अचानक उसकी नजर चांदी के सिक्कों से भरे उस घड़े पर पड़ी। गोपाल ने वह घड़ा उठाया, उसने घड़े को खोलकर देखा तो चौंक पड़ा। घड़ा तो पूरा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था और हमेशा की तरह गोपाल ने हाथ उठाकर कहा, ईश्वर तू सचमुच बहुत दयालु है, आज तूने मुझे इतना धन दिया, यह सब तेरी ही तो कृपा है। वह घड़ा लेकर खुशी खुशी वहां से चल पड़ा। अगली सुबह राजा वीरभद्र ने सोचा कि अब तक तो किशन उस घड़े को ले जा चुका होगा। उसने उत्सुकतावश किशन से पूछा, क्यों भाई किशन, कल राजमहल वाला मार्ग तुझे कैसा लगा, तुझे उस मार्ग में और क्या क्या दिखाई दिया। किशन ने उत्तर दिया, महाराज वह राजमहल वाला मार्ग इतना सुंदर था कि मैं तो आंखें बंद कर अपनी ही धुन में घर चला गया, इसी कारण मैं तो उस मार्ग में कुछ देख ही ना पाया। किशन का उत्तर सुनकर राजा को बहुत दुख पहुंचा। खैर अब राजा ने गोपाल से पूछा, क्यों रे गोपाल, कल राजमहल के मार्ग में तुझे कुछ मिला। गोपाल ने आसमान की तरफ हाथ उठाते हुए उत्तर दिया, महाराज कल ईश्वर की कृपा से मुझे उस मार्ग में चांदी के सिक्कों से भरा हुआ एक घड़ा मिला, सचमुच ईश्वर बहुत दयालु है। गोपाल का जवाब सुनकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। फिर अपने गुस्से पर काबू करते हुए बड़े ही प्यार से राजा किशन से बोला, किशन आज मैं दान में तुझे एक तरबूज दूंगा। और ऐसा कहकर राजा वीरभद्र ने एक बड़ा सा तरबूज किशन को दिया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, इस प्रकार राजा की जय जयकार करता हुआ किशन वहां से चला गया। चलते चलते किशन सोचने लगा, भला मैं इस तरबूज का क्या करूंगा। तभी उसने रास्ते में एक फल बेचने वाला देखा। किशन ने वह तरबूज उस फल वाले को बेच दिया और अपने घर की ओर वापिस चल पड़ा। उधर दूसरी ओर उस दिन राजा ने दान में गोपाल की झोली में कुछ पैसे डाले। गोपाल ने वो पैसे उठाए और घर वापिस जाने लगा। मार्ग में गोपाल ने उसी फल वाले को देखा और उसकी नजर उस तरबूज पर पड़ी। उस रसीले तरबूज को देखकर गोपाल के मुंह में पानी आ गया और उसने उन्हीं पैसों से वह तरबूज खरीद लिया। घर आकर जैसे ही गोपाल ने उस तरबूज को काटा तो देखा तरबूज में तो सोने के सिक्के भरे हुए थे। अरे इतने सारे सोने के सिक्के, वाह भाई वाह, सचमुच ईश्वर तेरा तो जवाब नहीं। और ऐसा कहते हुए गोपाल खुशी से नाचने लगा। अगली सुबह फिर से राजा का दरबार लगा और राजा भिखारियों को दान देने लगा। तभी उसकी नजर किशन पर पड़ी जो वहां राजा से दान लेने के लिए कतार में बैठा था, लेकिन आज गोपाल वहां नहीं था। गोपाल को वहां ना देखकर राजा ने किशन से गोपाल के बारे में पूछा। तब किशन बोला, महाराज ईश्वर की कृपा से गोपाल को सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक तरबूज मिला है और अब तो वह बहुत धनी बन गया है, अब वो भला यहाँ भीख मांगने क्यों आएगा। किशन की बात सुनकर राजा हैरान हो गया, उसकी समझ में सारी बात आ गई और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। आज राजा का घमंड चूर चूर हो चुका था। जीवन में पहली बार उसने भी गोपाल की तरह अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और कहा, ईश्वर सचमुच तेरी लीला तो अपरंपार है, सबको देने वाला तू ही है, इस संसार में सब तेरा दिया हुआ ही खाते हैं, तू ही सबका अन्नदाता है, तू ही सबका पालनहार है, मैं तो केवल एक जरिया मात्र हूँ, करता धरता और देने वाला, मेरे हाथ से दिलाने वाला भी तू ही है। मैंने धन तो किशन को दिया था, लेकिन तूने वह धन अपने भक्त गोपाल तक पहुंचा दिया, सचमुच ईश्वर तेरी लीला तो इंसान कभी समझ ही नहीं सकता, मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा कर दो। और उसी दिन से राजा वीरभद्र का सारा घमंड हमेशा के लिए चूर चूर हो गया।
अब तो गोपाल की तरह राजा भी हर बात में यह कहने लगा, ईश्वर तू ही अन्नदाता है, ईश्वर तू ही पालनहार है, धन्यवाद। दोस्तों, कभी इस बात का घमंड मत करना कि मैं सबको देता हूँ, मैं सबको खिलाता हूँ, सब मेरा दिया हुआ ही खाते हैं। सच तो यह है दोस्तों कि हम तो केवल जरिया मात्र हैं, हमें देने वाला भी ईश्वर है और हमारे हाथ से दिलाने वाला भी ईश्वर ही है। धन्यवाद। जय माता दी। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।